नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सूर्यवंशी वर्सेस 83 डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों फिल्मों की पहले दिन की कमाई और साथ ही साथ बताएंगे पहले दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आप सुपरस्टार अक्षय कुमार सर और सुपरस्टार रणवीर सिंह के फैन हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फिल्म और इंटरटेनमेंट से जुड़ी और सूर्यवंशी मूवी और 83 मूवी से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं 83 मूवी की। दोस्तों 83 एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो कि आधारित है 83 के वर्ल्ड कप पर जिसे भारत ने जीता था। दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन क्या है, जाने माने डायरेक्टर कबीर खान ने। आपको बता दें कि कबीर खान इससे पहले भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं और बजरंगी भाईजान का डायरेक्शन भी कबीर खान ने ही किया था। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रिलायंस इंटरटेनमेंट और नाडियाडवाला ग्रैंडसन इंटरटेनमेंट ने। और इसके स्टारकास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं रणवीर सिंह, जो कि सुपरस्टार कपिल देव सर की भूमिका निभाने वाले हैं, और साथ ही साथ नजर आएंगे दीपिका पादुकोण, हार्डी संधू, साकिब सलीम, जीवा, बवन ईरानी, पंकज त्रिपाठी, ताहिर राज, साहिल खट्टर, चिराग पाटिल और भी कई सारे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और इसे रिलीज किया जाएगा इंडिया में लगभग 4000 स्क्रीन पर, ओवरसीज में लगभग 1000 स्क्रीन पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 5000 स्क्रीन पर। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 90 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 90 करोड़ के बड़े बजट की फिल्म है 83। दर्शक और रणवीर सिंह के फैन इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और खास करके क्रिकेट प्रेमी इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी इस फिल्म के लिए बहुत ही उत्सुक है। और दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले हम रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय देख चुके हैं, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और लोगों को भी बहुत पसंद आई थी, और रणवीर सिंह ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था। और दोस्तों 83 फिल्म के लिए भी रणवीर सिंह ने अच्छी खासी मेहनत की है। और दोस्तों फिल्म 83 में भी रणवीर सिंह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी में भी रणवीर सिंह कुछ देर के लिए नजर आएंगे संग्राम भाले राव के रूप में। और दोस्तों 2020 में रणवीर सिंह की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है जयेश भाई जोरदार। और अगर बात करें 83 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और मूवी बस के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट पर कमाएगी लगभग 28 करोड़ रुपए। दोस्तों सूर्यवंशी एक एक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया है रोहित शेट्टी ने और इसे प्रोड्यूस किया है धर्मा प्रोडक्शंस, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी प्रोडक्शन, केफ ऑफ गुड फिल्म्स ने। और दोस्तों इसके स्टारकास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ और भी कई सारे एक्टर्स। दोस्तों सूर्यवंशी रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स की फिल्म है और दोस्तों रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स में अभी तक जितनी भी फिल्में बनी है सूर्यवंशी मूवी उन सबसे अच्छी फिल्म साबित होने वाली है। और अच्छी होने के साथ साथ यह सबसे बड़ी हिट फिल्म भी साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको नजर आने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार सर। और दोस्तों इस फिल्म का बजट भी रोहित शेट्टी की बाकी फिल्मों से बहुत बड़ा है और इस फिल्म को रिलीज भी रोहित शेट्टी की बाकी फिल्मों से ज्यादा स्क्रीन पर किया जाएगा। चूंकि इस फिल्म का बजट बहुत बड़ा है इसीलिए इस फिल्म में दिल खोलकर पैसा खर्च किया गया है, दिल खोलकर पैसा लगाया गया है, जिसका रिजल्ट हमें ट्रेलर और फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म में हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की अब तक की किसी भी फिल्म के मुकाबले सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म रोहित शेट्टी के अब तक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ ये फिल्म सुपरस्टार खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार सर के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म साबित होने वाली है। और दोस्तों इस फिल्म का बज, ऑडियंस रिस्पॉन्स और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म अक्षय कुमार सर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। और अगर बात करें इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और मूवी बज के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया नेट पर कमाएगी लगभग 34 करोड़ रुपए।
और अगर बात करें पहले दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें कि अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट और मूवी बज के हिसाब से पहले दिन सूर्यवंशी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, सूर्यवंशी फिल्म मारेगी बाजी। दोस्तों आप इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, सूर्यवंशी या 83? इन दोनों में से कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, सुपरस्टार अक्षय कुमार या सुपरस्टार रणवीर सिंह, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।